चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास, बिकॉज आज मैं आपको एक्सेल के इन डेटा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्लिप बनाना सिखाऊंगा ऑटोमेटिक। तो इस वजह से आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम एक्सेल की हेल्प से सारे जो आपके एम्प्लॉई है उनका आप पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका डेटाबेस एक्सेल में पड़ा हुआ और आपको वर्ड में पे स्लिप बनाना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा इतना सारा डेटाबेस है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे खास खास डेटा की जरूरत है। तो मैं एक आगे नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम मान लो मैं पे स्लिप रख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता रहेगा कि मैंने पे स्लिप पे स्लिप करके मैंने इसका नाम रख दिया है। अब मैं इसमें से जो मेरा काम का डेटा है उसको उठाता हूँ। तो जैसे कोड लेना ही है, नाम, डिपार्टमेंट, बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, नेट सैलरी तक का सारा ले लूंगा मैं डिटेल्स। तो ये इनका नेट सैलरी तक की पूरी शीट को कॉपी करूं और इधर लाकर A1 पर ही लाकर पेस्ट कर दूं, ठीक है, A1 पे पेस्ट कर दिया, ऑटो एडजस्ट कर दूं इसको। ऑटो एडजस्ट का मतलब होता है जितना जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना उतना स्पेस हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। अब इस डेटाबेस को लेकर मुझे क्या बनानी है, पेस्लिप बनानी है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए पेस्लिप कैसे बनती है, चलिए बात करते हैं। मान लो ये डेटाबेस, अब आप एक वर्ड की फाइल भी ओपन कर लीजिए। तो वर्ड की फाइल ओपन करने के लिए मैं विन की प्लस आर और विन वर्ड, इससे पहले हम वर्ड ही पढ़े, विन की प्लस आर और विन वर्ड। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड के अंदर हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मान लो मैंने वर्ड के अंदर फॉर्मेट बना लिया एम्प्लॉइज, सॉरी ऊपर ही ऊपर हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। मान लो कंपनी का नाम है कॉमर्स हब एजुकेशन, उसके बाद हम कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं। मान लो कंपनी का एड्रेस है एज वेल एज जो कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी डाल देते हैं। तो कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल मान लो आपने इधर डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद आप एक हेडिंग डाल दें पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, अभी जनवरी चल रहा है तो अपन मान लो ये दिसंबर 2021 का पे स्लिप बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सजा धजा लेते हैं, एक बार तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेज लेआउट में जाके स्पेसिंग रिड्यूस कर देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, सेंट्रली अलाइन कर देते हैं कंट्रोल प्लस सी से, तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज देके बीच में लेने के लिए कंट्रोल प्लस ई, सजाने के लिए आप फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट टाइप वगैरह बदल सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा फॉन्ट ले सकते हैं। मान लो आपने इम्पैक्ट ले लिया, आपने कैरेक्टर स्पेसिंग भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड हटा देते हैं, और इधर आप एरियल नेरो ले लिया, इसका पे स्लिप है, इसका फॉन्ट आपने बढ़ा दिया, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पेज लेआउट में जाके मैं इसे मार्जिन भी नेरो कर देता हूं, नेरो मार्जिन, पेज स्लिप है, ठीक है। तो सबसे पहले अब जैसे आप अपनी इस टेबल में देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड आ जाए सबसे पहले, ठीक है, जस्ट नीचे एम्प्लॉय नेम आ जाए और उसी के जस्ट नीचे डिपार्टमेंट आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक आए
हाथ से नहीं डालना ना ना, यहाँ वी लुकअप नहीं लगता है, वर्ड ठीक है। ये चाहता हूं एक चीज और कि मैं ये भी चाहता हूं कि ये तीनों जो आए इनके यहां पर बॉर्डर लग जाए, इस तरह से ठीक है। और व्यू में जाके मैं ग्रिड लाइन को ऑन रखूं ताकि मुझे पता रहे कि कहीं कट वट नहीं रहा हो, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो कट जाएगा। अच्छा यहां पर आप इसमें भी आप ये कर सकते हो कि आप टैब की यूज कर सकते हो, इनको थोड़ा बीच में ले सकते हो ऐसे, है ना। और इसके अलावा हम इधर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन का शेप बढ़ा देते हैं वेट में जाके, इस तरह से ठीक है। आफ्टर दैट ये इन सब का हो जाए, अब हम यहां पर एक तरह से इसके जस्ट नीचे अर्निंग्स, इंप्लॉइज अर्निंग, EARNING अर्निंग्स बोल्ड कर देते हैं और सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहां से हम इसको इस तरह से अर्निंग को कलर दे देते हैं और इसको बीचों बीच ले देते हैं ठीक है। अब अर्निंग्स में जैसे एक तो आ जाएगा बेसिक, बेसिक सैलरी, दूसरा आ जाएगा बीए, तीसरा आ जाएगा एचआरए, चौथा आ जाएगा पीए ठीक है, और फिर लास्ट लास्ट में आ जाएगा क्रॉस सैलरी ठीक है। और इसके बाद अर्निंग्स के बाद आ जाएंगे डिडक्शंस, तो ये डिडक्शंस बोल्ड, सेंट्रल अलाइनमेंट, ये डिडक्शंस ठीक है। और डिडक्शन मैं हम हमारा जैसे क्या क्या है, एक तो है प्रोफेशनल टैक्स, एक है प्रोविडेंट फंड, और आफ्टर डिडक्शन आपका आ जाएगा इधर नेट सैलरी, यानी कट कटा के कितना इनको सैलरी मिली ठीक है। और नेट सैलरी के बाद यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डाल देंगे हम, साइनिंग ऑथोरिटी मतलब ठीक है, राइट हैंड साइड। और अब भली मैं इसको ग्रिड लाइन हटा दूं, मतलब मुझे मोटे मोटे तौर पर एक फॉर्मेट तैयार करना है जिसे हम कहते हैं पेस्लिप। पेस्लिप कुछ इस तरह की हम बनाएंगे जिसमें हम ऊपर एम्प्लॉयज की डिटेल, फिर उसकी अर्निंग, उसका डिडक्शन, ये हम काम करेंगे सारे एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लियर एंड कट है पिक्चर कि इसमें आपको डेटाबेस कहाँ से निकाल के लाना है, एक्सेल से। और जितने स्टाफ है, मान लो 50 एम्प्लॉय, 500 की पे स्लिप बन जाए दिसंबर महीने की, 500 है तो 500 की बन जाए। तो देखिए ये काम आप कर लेंगे क्या, ये काम कर लेंगे, ऐसा फॉर्मेट बना लोगे, मिलता जुलता बना लेना, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो, तो इस तरह का एक फॉर्मेट आप क्रिएट कर लीजिए ठीक है। अब मेन खेल अब है,
क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिंक करना पड़ेगा उस पूरे डेटा को, जो कि कहां पड़ा हुआ है, एक्सेल में पड़ा हुआ, ये एक्सेल में पड़ा हुआ है, और इसे सेव करके इस फाइल को मैं अब मैं क्लोज कर देता हूं, क्योंकि अब जो काम है बेसिकली वो हमें वर्ड के अंदर करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, कर्सर यहां रख दिया हमने, व्हाट आई जस्ट आई वांट, देखिए अब मैं यहां चाहता हूं कि इस जगह पर कोड आ जाए। अब आपको जाना है, अब देखिए इस स्टेप को आपको लिखना पड़ सकता है, क्योंकि ये फॉर्मेट तो आप बना लोगे चलो, लेकिन अब करना क्या है वो देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं पेस्लिप। किसी भी कंपनी में जो आप स्टाफ काम करता है, स्टाफ को जो सैलरी मिलता है उसके लिए कंपनी जो डॉक्यूमेंट देती है सैलरी के साथ, जिसमें सैलरी का पूरा हिसाब होता है, उसे पेस्लिप कहा जाता है। पेस्लिप हम बना रहे हैं एक्सेल में डेटाबेस पड़ा हुआ, वर्ड में बना रहे हैं, और सारे के सारे स्टाफ के लिए बना रहे हैं एक साथ, तो कैसे बनाएंगे देखिए। आपको एम्प्लॉय कोड पे कर्सर रखना है, मेलिंग्स में जाना है, कहाँ जाना है, मेलिंग्स में। को सेव कर देता हूं एक बार मैं डेटा में। डेस्कटॉप पे डाल देता हूं, नाम दे देता हूं पेस्लिप। चलिए आपको बताता हूं मैं, जब आप ये बना लोगे इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप्स देखिएगा मेलमर्स के। आपको क्या करना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट लेना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में हमें पता है कि हमारी वो फाइल एक्सेल वाली फाइल, पहले उसमें वो डेटा, जैसे एक्सेल की फाइल में आप क्या करेगा कि आप आज मैंने क्या किया, एक्सेल की फाइल में मैंने एक नई शीट ली, उसका नाम चेंज करके पे स्लिप नाम दे दिया, और उसपे जो मुझे जरूरत थी उस डेटा को ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और उस फाइल को सेव करके बंद कर दिया। अब आपको यहां से उस फाइल को ढूंढ के सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे मेरी वो फाइल कहां पड़ी हुई, मैं बताता हूं, मेरी डेस्कटॉप पे ये क्लास नोट्स करके फाइल, ये एक्सेल 2022, इसको मैं ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा,
अब मैंने क्या किया, इसको ओपन एक्चुअली में कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं ओपन करूंगा, हाँ ऐसे जैसे आप ओपन करोगे इसको, ठीक है, तो जैसे आप इसको जैसे आप ओपन करोगे, ऑलरेडी कनेक्टेड है। मेलिंग्स में आए स्टार्टिंग लेवल पर ये रहेगा, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले वाले को। ये हमारा जैसे हमने पूरा डिजाइन विजाइन बना लिया, अब आप इसमें क्या करना, सेलेक्ट रेसिपिएंट करके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करना, इसमें आपको अपनी उस फाइल को कनेक्टिविटी देनी है, तो आप कनेक्टिविटी दे देंगे जहां पर भी वो फाइल पड़ी हुई। जैसे आप ओपन करेंगे तो उस फाइल में तो बहुत सारी शीट्स बनी हुई है जिनके नाम दिख रहे, देखो ये सारे शीट्स के नाम है। हमारी वो शीट कौन सी थी, पे स्लिप, उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना बस। जैसे आप उसको ओके करेंगे, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे ऑप्शन। इसमें देखिए अब उस पे स्लिप के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन है, कॉलम हेडिंग्स है। आपको अब एम्प्लॉय कोड पे क्या लेना है, देखना कर्सर यहां रखा हुआ है, यहां से मुझे कोड लेना है, कोड, फिर कर्सर यहां रखा हुआ है, यहां से मुझे एम्प्लॉय नेम लेना है, फिर कर्सर यहां रखा हुआ है, यहां से मुझे डिपार्टमेंट लेना है। मैं फील्ड इंसर्ट करा रहा हूं, इसे क्या कहते हैं, फील्ड इंसर्ट करना, ठीक है। इन सब में हम फील्ड इंसर्ट कराएंगे, ऐसे। अब यहां से हम बेसिक, इधर से हम डीए, इधर हम एचआरए, इधर हम पीए और इधर हम ग्रॉस सैलरी के फील्ड इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहां पे भी सेम, इधर हम प्रोफेशनल टैक्स, इधर हम प्रोविडेंट फंड और इधर हम नेट सैलरी के फील्ड इंसर्ट करा देंगे। आप चाहो तो इनके कलर्स चेंज कर सकते हो, इनके मतलब इसका इसका इसका, या फिर इनके जो फील्ड है उनके कलर चेंज कर सकते हो, इसका 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 इसका। कंट्रोल दबाते हुए आप इनके कलर चेंज कर देना, कलर मतलब आप फॉन्ट कलर बदल दो, बोलिए मान लो फॉन्ट कलर आपने ले लिया ऐसा ब्लू, ठीक है, और यहां पे भी आप फॉन्ट कलर बदल दो ताकि ये अलग दिखे आगे वाली हेडिंग से, ये फॉन्ट कलर आपने ब्लू ले लिया, ठीक है। इस तरह से इसे कहते हैं फील्ड इंसर्ट कराना, क्या कहते हैं, आपने एक फॉर्मेट बनाया, फील्ड इंसर्ट कर लिया। अब वापस जाओ आप मेलिंग्स में, जब आपने फील्ड इंसर्ट कर ही दिए, यहां से एक बार आप प्रीव्यू कर सकते हो रिजल्ट को,
देखिए ये जैसे आप प्रीव्यू करोगे यहाँ पर एक बंदे का डेटा दिखेगा, C001 रोशन लोहार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी बीए एचआरए वगैरह, ग्रॉस सैलरी इतनी बनी और नेट सैलरी इतनी बनी, परफेक्ट है। अब आप इसे क्या करो, फिनिश एंड मर्ज। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स डॉक्यूमेंट्स, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ऑल और ओके। अब आपको एक कमाल दिखाते हैं हम। आपने तो ये फॉर्मेट एक जगह बनाया था, डेटा आपके पास बहुत सारा था। अब आप देखिए सबके लिए पे स्लिप बन गई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, देखिए आप सबके लिए बन गई, जितना डेटाबेस था सबकी पे स्लिप बन गई है। आपको खाली क्या देने की जरूरत है, प्रिंट देने की जरूरत है बस। 10 जने से 10 की बन गई, ये आप देख सकते हैं 10 की 10 की आपको पे स्लिप दिख रही है यहाँ पे, ये सबकी, ये वो एक पहले बंदे की, ये दूसरे की, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको प्रिंट देना है और उनको सेल्फी के साथ देना है। एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है और आपने इसे वर्ड में पे स्लिप स्लिप बनाकर बना दिए सबके लिए। ये कमाल होता है मर्ज का, इसका मेल मर्ज बोलते हैं इसको, हमने मेल मर्ज से इस डेटा को कनेक्टिविटी दे दी। ठीक है, ये काम आप करिएगा, बहुत ही यूजफुल चीज है ये।